टू रवि को कुछ मिल जाए बस ठूसने के लिए ना रवि। दोनों मिलकर जो भुट्टे हैं यानी मकई वो पका रहे थे। तुम किसकी मम्मी हो बोलो? नाले से उठा के लाया था समझा, ये मेरा मम्मी है। सारा इसका जो है पोस्टमार्टम कर दिया है, पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कल के व्लॉग यानी रवि के बर्थडे व्लॉग को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो आज का जो व्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो चलिए आज का व्लॉग ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर कि आज के व्लॉग को आप एंड तक देखना। तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आज के अपने इस प्यारे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। A few moments later. ये देखिए रवि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है रवि? केला खा रहा हूँ। केला खा रहा है और क्या कर रहा है? झूल रहा हूँ। झूल भी रहा है। कौन लगा दिया बाबू झूला? पापा। पापा लगा दिए। ये देखिए एक बंदर को जो केला खा रहा है और झूला भी झूल रहा है। हेलो बंदर। लोची मैनिया। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, तुम बंदर है। तू चुड़ैल हो? नहीं हूँ। तुमको खिलाओ? नहीं, आओ झूला। आरती झूला दो, झूला दो। देख रहे हैं फ्रेंड्स इस महाराज का बड़ा बड़ा फरमाइश है, झूला झूलते हुए केला खाएगा। और से झूला आरती इसको गिरा दो, इतना जोर से झूला ना गिरा दो। डर लग रहा है। धीरे धीरे रे, धीरे धीरे गिर जाएगा ना तो बस। रवि तो बच्चा है, उसका तो समझ में आता है। इतनी बड़ी गधी भी अभी झूला झूल रही है, ये देखिए। गजब बेइज्जती है। रवि अपना बदला लो, तुम भी इसको जोर जोर से झुलाओ, बदला लो अपना। ये तो खाया ही नहीं है। आज रवि खाया नहीं है। अरे अरे अरे, नहीं रे। अरे फुटबॉल नहीं है वो। ये देखिए फ्रेंड्स अब दो जन लग गए हैं आरती को झुलाने के लिए, देखते हैं कितना जोर से झुला पाते हैं ये दोनों। ना रेडी हो? बदला ले लेना ठीक है रवि, तुमको बहुत जोर जोर से झुलाया था ना, उसका बदला लेना है। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 3 2 1 झुलाओ, चलो बाबू जोर जोर से बदला लेना है, बदला लेना है जल्दी जल्दी। अभी आरती का बैंड बज रहा है। बैंड नहीं बज रहा है। नहीं बज रहा है तो क्या हो रहा है? मजा आ रहा है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या ठूस रहा है बाबू? निमकी और सेव यानी नमक पारे भी बोला जाता है, और ये जो बेसन वाली झिलिया आती है ना सेव, वो खा रहा है। आरती ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। कहाँ जाने वाला है रवि? हटिया। मैंने आप सभी को बताया था ना हमारे यहाँ हफ्ते में के दिन हटिया लगता है बेटा? दो दिन लगता है। कौन कौन बार बाबू? रविवार और बुधवार को। और रवि जाता है पापा के साथ, तो उसी के लिए रवि रेडी हो गया है। और मम्मी अभी चाय बना रही है। बाबू ये चाय साथ खाएगा, रख दो ठीक है? नहीं, नहीं। तो चाय नहीं दूंगी, वैसे भी तुम्हारे लिए चाय अच्छा नहीं है, लेकिन तुम पी लेता है जीत करके, तो क्या बोलूं? नहीं पीऊंगा, दे दो। तो इसी तरह चाय पिएगा या अभी पहले ठूस लेगा? तो चाय किसके साथ पिएगा? ऐसे ही। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पेटू रवि को कुछ मिल जाए बस ठूसने के लिए ना रवि। पेटू है ना तुम बेटी? तुम? मैं बेटा, तुम बेटी? मैं बेटा, तुम बेटी? रवि और मेमो के बीच हो गया है लड़ाई। लड़ाई हो रहा है ना रवि? ये खा रहा है और ये मेमो जो है वो उसको खाने नहीं दे रहा है। मेरा मम्मी का गोदी में कहीं बैठा है रे? कहीं बैठा है? नहीं, मैं। मेरा मम्मी है।
मेरा मम्मी है। तुमको ना नाले से उठा के लाया था, समझा? ये मेरा मम्मी है। तुम किसकी मम्मी हो बोलो? म्यूजिक ये देख लिया। बाबू किसका मम्मी है ये, तुम ही बताओ। अरे मेरा मम्मी नहीं है। देखा देखा सबका है। So, अभी चाय वगैरह तो हमने पी ली है एंड अभी बस मुझे काम करना है। सबसे पहले चाय के बर्तन वगैरह धो रहे हैं एंड इसके बाद पानी भरना है क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, कब चल जाए। बारिश आने वाली है एंड मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हो सकता है कि लाइट जो है वो चली जाए, इसलिए पहले पानी भर लूँगी ताकि कोई टेंशन नहीं रहे एंड इसके बाद फिर बर्तन वगैरह भी धो लूँगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने आप सभी को अपना कुआं दिखाया था तो कितना नीचे पानी था और कितना कम पानी था, है ना फ्रेंड्स? एंड अभी आप लोग देख ही सकते हैं बरसात के कारण कितना ज्यादा पानी भर गया है और इसी के कारण फ्रेंड्स हमारा जो मोटर है ना वो हमने यहाँ पर सेटल कर दिया है। पहले बहुत नीचे पानी था तो पाइप उतना लंबा नहीं था, पाइप जो था वो घट जाता था, तो मोटर को हम लोग यहाँ पर टांग देते थे रस्सी से और नीचे झूला रहता था मोटर तो। लेकिन अभी पानी बहुत ज्यादा हो गया है तो पापा ने यहाँ पर मोटर को सेट कर दिया है एंड पूरा प्लास्टिक वगैरह से ढक दिया है क्योंकि पानी वगैरह आती रहती है और पानी लगने से ना ये खराब हो जाता है। 4-5 साल से हम इसे यूज कर रहे हैं, बीच में एक दो बार खराब भी हुआ था तो पापा ने बनवाया था एंड इसका जो पाइप है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसलिए हमने इसे अच्छी तरीके से पूरा सेटल कर दिया है ड्रम तक ताकि कोई दिक्कत ना हो और आसानी से पानी हम लोग भर ले। A few moments later. ओए रवि क्या कर रहा है? खेल रहा है? नहीं। क्या कर दिया रे गाड़ी का? इसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिया रवि। तुम्हारे हाथ में कुछ चिकता नहीं है, है ना? सब तुम खा जाता है और इसको भी तोड़ कर ही माना, तोड़ा है या खोल दिया? खोल दिया। ये गाड़ी तुमको कहाँ मिला? बर्थडे पे। कल बर्थडे पे ना रवि को ये गाड़ी मिला। ये कौन सा गाड़ी बेटा? डोजर गाड़ी ना। और कल से खेलते खेलते देखिए इसका हाल क्या कर दिया है रवि, सारा इसका जो है पोस्टमार्टम कर दिया है, पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया है ना। खा जाओ, खा जाओ उसको भी, पूरा गाड़ी को तो तुम खा ही गया है। पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया बेचारे का। ये भी सोच रहा होगा कि कौन सा शैतान बच्चा मिला है हमको। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मारेगा तुमको, तुमको छोड़ूंगी मैं। सो फ्रेंड्स अभी आरती रवि और पापा तीनों हटिया से आ गए थे एंड काफी सारी सब्जी वगैरह लाए थे, लेकिन इसके साथ ही मेरे और हम सब के फेवरेट मकई यानी भुट्टा भी लेकर आए थे। मुझे ना मकई बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसके साथ ही जो अरबी होती है ना फ्रेंड्स, जो ओल होता है वो भी लेकर आए थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अभी हम सब ने यमी यमी झाल मुरी यानी भेल जो है उसे इंजॉय किया। एंड यहाँ पर किचन में मम्मी और फुआ, मेरी बुआ भी आई थी, दोनों मिलकर जो भुट्टे हैं यानी मकई वो पका रहे थे। एंड चूल्हे में मकई को पकाकर खाने का एक अलग ही मज़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो आप लोग देख ही सकते हैं ये भुट्टे कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं। किनको किनको भुट्टे पसंद है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, अभी हम सब ने यमी यमी भुट्टे इंजॉय किए एंड हम सब ने डिनर वगैरह भी कर लिया है और बस अब मुझे इस ब्लॉग को एडिट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को आज का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप सबसे कल इसी टाइम में 2:01 बजे एक न्यू इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना 2:01 बजे।